पटेल बैठ। विजय पाने के लिए खबर दिया? जी हाँ, बड़ी देर से खबर दे चुका हूँ। असर नहीं आया? कोई बदले में आ गया किशोर? हाँ विजय, क्या खबर है? भाई ये नाइट क्लब का मालिक बहुत होशियार आदमी मालूम होता है। कोशिश करने पर पता चला है कि ये किसी सोने के बहुत बड़े स्मगलर को लूटना चाहते हैं। कब? शायद कल रात। कल रात? लेकिन हाँ, जो तय होगा मैं एक चिट पर लेकर अपने घर की दहलीज पर छोड़ जाऊंगा और तुम कल रात को मेरे घर से ले लेना। वेरी गुड, तमाम अफसरों की निगाहें तुम पर हैं। मजा जाए कि एंड वक्त पर वो लोग पकड़े जाएं। अगर पकड़े न गए तो मेरा नाइट क्लब में शामिल होने का क्या फायदा? भाई किशोर, जिस रोज प्राण पकड़ा जाएगा उस दिन बिंदु बेचारी को बड़ी मायूसी होगी। मायूसी को? वो समझती है कि उसका भैया नाइट क्लब में जनरल मैनेजर है। बिंदु कैसी तुम्हारी बहन? शरारती कुछ कम हुई उसकी? कहाँ, उम्र के साथ साथ बढ़ रही। बड़ी शरीर है लेकिन मुझे बहुत प्यार करती। क्यों नहीं भाई, तुम्हें उसको पाला है, तुम्हें उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ हो। यही चीज तो मुझे परेशान कर रही है। परेशान क्यों? किशोर, अगर किसी दिन प्राण को ये पता चल गया कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, जानते हो मेरा क्या होगा? लेकिन प्राण का तो तुम पर पूरा भरोसा है ना? पूरा भरोसा तो जमा रखा है, लेकिन भगवान ना करे किसी दिन कुछ हो जाए तो बिंदु को तुम। कैसी पागलों सी बातें करते हो, क्या बिंदु मेरे लिए कोई रैर? अरे बिंदु बची, उठ। घर आने का वक्त हो गया भैया। अरे घर में कदम रखा नहीं है और तूने लड़ना शुरू कर दिया। हाँ मैं तो लड़ाकी हूँगी। बिंदु नाराज हो गई? अरे भाई काम वाला आदमी हूँ, देर हो जाती है। तू तो चाहती है चूड़ियाँ पहनकर तेरे पास घर में बैठा रहूँ, यही ना? शाम को तो घर में बैठा करो। अरे हाँ बिंदु, आज इंस्पेक्टर किशोर तुझे बहुत याद कर रहे थे, तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ भाड़ में जाए तुम्हारा इंस्पेक्टर किशोर। अरे थूक देना इस गुस्से को। अजी वाह, अभी तक नाराज है आप? अरे बिंदु की बच्ची। अच्छा बिंदु, आज खाना क्या बनाया? मेरा सर। तेरा सर? अरे ये इतना खाना मेरे लिए? मालूम होता है बिंदु आज भी तूने खाना नहीं खाया। मैं खाना खा चुकी हूँ जी। अच्छी बात, तू खाना खा चुकी है तो मैं भी खाना खा चुका हूँ। ठहरो, एक चोरी ऊपर से छीने चोरी, रात के 2-2 बजे आते हो और ऊपर से रोक दिखाते हो, चलो बैठ कर खाना खाओ। अरे बाबा तू तो ऐसे डांट रही है जैसे अम्मा। अम्मा ही तो हूँ। लो खा जाओ। तू भी खाना खा लेना। नहीं मैं बाद में खाऊंगी। अरे खा लेना, नखरे करती है मेरी छोटी बहन। अच्छी बहन बिंदु, मुझे बहुत जरूरी काम है तो मुझे जल्दी दिला देना। क्या समझ के हाथ लगाया था तूने मेरी दाढ़ी को? भैया की दाढ़ी और क्या, तुझे शर्म नहीं आई? सच बात तो यह है भैया, शर्म आती है जब ऐसा काम किया। कहती हूँ अपनी दाढ़ी साफ कर डालो, क्या सूरत निकल आएगी। सड़क के ऊपर चलोगे तो भाभियों की लाइन लग जाएगी पीछे। सच कहती है भाभियों की बच्ची, मेरे दोस्त क्या कहे मुझे।
अरे जा भैया, दोस्त क्या कहेंगे, सूरत देखकर कर चलेंगे और क्या। बस थोड़ी सी कसर रह गई है, कर डालो। ये कहाँ से लाई? बस अब कहीं से ले आई, लगा डालो। ये देखो, अब ये लो, काट डालो भैया। अरे शर्मा गए, लो भैया काट लो ना। काट डालो। दुखी क्यों होते हो भैया, फिर उगाएगी, घर की खेती है, अभी तो काट लो। अच्छा विजय बेटा, अब तो काटनी ही पड़ेगी। दाढ़ी मुझ तो साफ कर ली, नाइट क्लब जाऊंगा तो बॉस क्या कहेगा। अभी तक फोन नहीं आया, कहीं मिस्टर रमेश को शक तो नहीं होगा? सोने के इतने बड़े खजाने की चाबियां उड़ाना आसान काम नहीं है बॉस। मेरे ख्याल में रीटा जरूर अपने काम में लगी होगी। तो रीटा जरूर अपने काम में लगी होगी, ये इतने थोड़ी देर। हिफाजत भी तो जरूरी है, आपको मुझ पर भी इस बात नहीं। कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग, तुम्हें सोना चाहिए, मैं तुम्हें सोने से ला सकता हूँ अभी तो। इसी बात नहीं चाहिए मुझे आपका सोना, मैं तो सोने की दीवार को तोड़ देना चाहती हूँ जो हम दोनों के बीच में खड़ी है। मुझे आपकी मुस्कुराहट चाहिए, प्यार भरी मुस्कुराहट। मुझे एक ऐसा कल चाहिए जिसमें मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूँ। चलो डार्लिंग, नाइट क्लब चले जहाँ रात के रंगीन छाए हर तरफ चले रहते हैं। जवानियाँ नाचती हैं, दिल नाचती हैं, उमंगे नाचती हैं। तुम भी नाचो, मैं भी नाचूंगी। मगर डाली मैं तो नाइट क्लब न जा सकती। ना सही, कहीं ना चलो, भगवान के लिए इनकार ना करो, कहीं भी चलो। जिद करती तो ठहर, मैं वाले से पैगाम लेकर अभी आता हूँ। समझ में नहीं आता है क्या होगा रीटा को। हेलो, कौन? मैं रीटा बोल रही हूँ। क्या क्या हुआ? मैं मजबूर हूँ, मैंने बहुत कोशिश की। आदमी निहायत शरीफ है मगर निहायत होशियार भी। तुम उसे घुमाने के लिए अपने क्लब में ले आओ। वो नाइट क्लब आने के लिए भी तैयार नहीं है बॉस, वो तो कहीं भी नहीं जाता। जल्दी बोलिए, मैं क्या करूँ? अच्छा तो तुम उसे घर से कहीं भी बाहर ले जा सकती हो? चाबी तो कुछ पता नहीं है। चाबी के बगैर मैं चला लूंगा, तुम उसे घर से कहीं भी बाहर ले जाओ। दाती की तैयारी करो। तैयारी करो, लेकिन चाबी है बॉस। चाबी नहीं तो दाती, दाता होगा जरूर होगा। बॉस मैं गाड़ी लेके जाऊँ? फौरन फौरन। तुम जौरी के यहाँ जाओ,
उसे कहो कि हम सोना लेने के लिए जा रहे हैं, रुपया तैयार रखे, मैं तुम्हें घर से ले लूंगा। ओके बॉस। और ये चाबी मत घुमाया करो। ओके बॉस। चाबियां लगाओ। ओके बॉस। चाबियां नहीं लगती, दूसरी तिजोरी पे लगाओ। जैसे डाउन करो। पुलिस आ रही है, गाड़ी नंबर पे चेंज करो। हमें जल्दी कवर कर।
खाली हाथ नहीं लौटा। दस साल में यह पहला मौका है, पुलिस ने हमारा पीछा किया। उन्हें खबर देने वाला कौन है? कौन है वो? हम ही लोगों में से कोई उनसे मिला हुआ है। कौन? बोलो, जवाब दो। तुम नीचे क्या कर रहे? मैं तो गाड़ी में था बस। तुम मेरी ड्यूटी सच लाइक थी बस। तुम कहां थे? मैं तो आप ही के साथ था बॉस। तुम क्या कर रहे? मैंने ही इंस्पेक्टर को रोका था बॉस। तुम नहीं, तुम नहीं, फिर किसने खबर दी है पुलिस को? जवाब दो, किसने खबर दी है पुलिस को? दुश्मन को जिंदा छोड़ा मेरे पेशेंट के खिलाफ है। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर किशोर। इंस्पेक्टर किशोर कहाँ है? उन्हें जल्दी फोन पर बुलाइए। इंस्पेक्टर किशोर, मैं विजय बोल रहा हूँ। कितना अच्छा मौका मिस कर दिया आपने। थोड़ी देर में हेलो बोलते चले। सनम जब घर से निकल के चलो, जवानी के दिन भी संभल के चलो, दूर नहीं से मचल के चलो, अजी जरा हल के चलो। सनम जब घर से निकल के चलो, जवानी के दिन भी संभल के चलो, दूर नहीं से मचल के चलो, अजी जरा हल के चलो। लाश के दर से बाहर मत ले जाओ। क्यों? चोट लगा के नसीबे बचा के उठाओ, देखो जी पूरा है जमाना। नसीबे बचा के उठाओ, देखो जी पूरा है जमाना। चाहो में पड़े हैं हजारों, कहीं तक जा मत जाना। सनम जब घर
से निकल के चलो, जवानी के दिन भी संभल के चलो, हुजूर नाज़ मचल के चलो, अजी ज़रा हल के चलो। के बटन पर किसी का नाम आ गया। तुम बाहर जाकर देखो कौन आ रहा है, शायद पुलिस आ रही है। लाश को जल्दी बांधो। क्यों है नजर कोई कमी, क्यों है नजर कोई कमी, क्यों है अदा कोई कमी, सुन लो हमारी कथा भी, हम भी तुम्हारे हैं कोई। जब घर से निकल के चलो, जवानी के दिन है संभल के चलो, हुजूर नाज़ मचल के चलो, अजी ज़रा हल के चलो। खड़े हो कहाँ पहचानो, अजी फिर चाहे मानो न मानो, खड़े हो कहाँ पहचानो, अजी फिर चाहे मानो न मानो, पूरी है यहाँ की हवाए, बोले आज तुम क्या जानो। जब घर से निकल के चलो, जवानी के दिन है संभल के चलो, हुजूर नाज़ मचल के चलो, अजी ज़रा हल के चलो, हे हे अजी ज़रा हल के चलो, हे हे। इंस्पेक्टर साहब कुछ चाहिए? कॉफी ठंडा गरम, कोला मंगोला पाइनापोला आइसक्रीम का गोला एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिस्टर प्राण। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? बताइए आपकी क्या साझा कर सकता हूँ। मैं तलाशी लेने आया। तलाशी? टेलीफोन पर बात खत्म होने से पहले एक चीख, एक अजीब चीख सुनाई दी। हाँ भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास सिर्फ एक ही टेलीफोन है और वो भी इस मेन हॉल में है। जी हाँ, इसी बात की हैरानी मुझे भी। हैरान क्यों? आपके पास दूसरा टेलीफोन तो नहीं? नहीं तो किसी दूसरे नंबर पर? नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरे होते हुए इस बड़े होटल में आवाज का यातायात बंद हो जाना, कोई अजीब सी चीख का सुनाई देना, ये मुमकिन है इंस्पेक्टर साहब? मुमकिन है मिस्टर ब्रांड, जिस वक्त चीख की आवाज आई उस वक्त आप यहाँ मौजूद ना? मैं तो शाम से यही हूँ इंस्पेक्टर साहब। बात है, मैंने टेलीफोन पर चीफ की आवाज सुनी, एक्सचेंज से नंबर पूछा तो उन्होंने आपका नंबर बताया। मेरा? जी हाँ, 2554 नोट आपका नंबर है ना? जी हाँ नंबर। और आप कहते हैं कि टेलीफोन सिर्फ नीचे और कोई एक्सटेंशन है ही नहीं? आप खामोखा मुझसे शक कर रहे हैं। ये मेरा डाइनिंग रूम है। आप लोग कौन? मेरे दोस्त हैं। खाना खाने के बाद कभी ताश वाश खेल लेते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
आप लंगड़ा क्यों रहे? ओ हुजूर, ये तो मैं मुद्दत से लंगड़ा रहा हूँ, इसलिए तो मेरी शादी नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब, एक बात पूछूं, क्या पांव लंगड़ा हो जाने से दिल भी लंगड़ा हो जाता है? आपका दिल कब लंगड़ा हुआ? हुजूर, दिल नहीं, पांव लंगड़ा हो गया, वो भी वर्ल्ड वॉर नंबर टू में। वर्ल्ड वॉर नंबर टू? जी। आप मत बोल देते? जी नहीं, मैं बावर्ची। बावर्ची? जी। मिस्टर प्राण विजय कहाँ? जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप यहाँ काम करता है ना? जी वो विजय जहाँ वो करता था, मगर मैंने उसे निकाल दिया। आपने उसे निकाल दिया? जी। क्यों? वो बदजानत आदमी था इंस्पेक्टर साहब, ऐसा आदमी को रखना कोई नहीं पसंद। क्या बदजान थे किसी? इंस्पेक्टर साहब, हर कामयाब बिजनेसमैन के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, और वो मेरे दुश्मनों से मिला हुआ था। तो वो आपके दुश्मनों से मिला हुआ था? क्या आखिर इंस्पेक्टर साहब, आपको किस चीज की तलाश? इनका ख्याल है हमने किसी का, मेरा मतलब है हमने विजय को कहीं छुपा दिया। ओह, तो इंस्पेक्टर साहब, आपका ख्याल है कि विजय इस कमरे में बैठकर ताश खेल रहा है? हो सकता है, इंस्पेक्टर साहब का ख्याल है। आपने विजय को कितने बजे निकाला? आज 11 बजे। 11 बजे? 11 बजे उसने मुझे टेलीफोन किया, 11 बजे मैंने चीफ की आवाज सुनी, 11 बजे मैंने एक्सचेंज से नंबर पूछा, और 11 बजे आपने उसे निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपका ख्याल है मैंने उसे रात को 11 बजे निकाला? नहीं नहीं, मैंने तो उसे दिन को 11 बजे निकाला। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, दिन को 11 बजे। हो सकता है एक्सचेंज ने मुझे गलत नंबर दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि आपको किसी और ने टेलीफोन किया हो। तो आपका यही कहना है कि विजय यहाँ नहीं है? यकीनन। बुझ गई, ये लीजिए। आप तो मुझसे खामखा छकन थे इसके साथ। बैठना, हम सोता ही रहता, पत्ता गिर दिया था। आप लोग कब से यहाँ ब्रिज खेल रहे हैं? यही कोई दो घंटे। क्या नाम है आपका? ब्रिज। ब्रिज? ब्रिज मोहन। आपका नाम? रमी रामचंद। तो आपका नाम तो फ्लैशी होगा। शुक्र है आपकी तसल्ली हो गई। शुक्रान, अगर जरूरत हो तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जरूर जरूर। फिर अभी तक नहीं आए, क्या बात है? आज तो रोज से भी ज्यादा देर कर दी। अब आइए, अभी मरम्मत करती हूँ। क्या कर रही हूँ? जैसे मुझे भैया आएंगे, ये उन्हीं जाने का टाइम है, लेकिन आज तो पहले से भी ज्यादा देर करती है। तो मुझे अभी तक नहीं आया? नहीं, आपको कोई काम था? कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था, तुमसे मिलना था। क्या तुम उसे सुबह पुलिस स्टेशन जाते हैं? बिंदु, तुम कुछ फिक्र न करो, उसका काम ही ऐसा, उसे देर हो जाती है। आप विजय के बहुत गहरे दोस्त हैं ना? हाँ। मेरा एक काम करेंगे? क्या काम? उससे कहिए नाइट क्लब में काम छोड़कर कहीं भी और काम कर ले। रोज रात को इतनी देर हो जाती है घर आने में, और मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, मैं उसे समझा दूंगा, वो नाइट क्लब हमेशा के लिए छोड़ दे। उन लोगों का कहना है कि 11 बजे उसे नाइट क्लब से निकाल दिया गया, लेकिन ये चैन कहते हैं कि मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले वो वहां था। अब तक कोई खबर नहीं, टेलीफोन नहीं, जाने क्या बात हो गई? कहीं उन लोगों ने उसे नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। उसने फोन किया और 10 मिनट बाद में वहां पहुंच गया, और 10 मिनट के अंदर किसी का फोन करके उसकी लाश छुपा देना, ये नामुमकिन है। इंस्पेक्टर साहब, बिंदु, इंस्पेक्टर साहब, भैया अभी तक घर नहीं पहुंचे, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आप कुछ कीजिए ना। घबराओ नहीं बिंदु, कामकाज में देर हो जाती आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, महिम काजे से एक लाश मिली है। लाश? किसकी लाश है इंस्पेक्टर साहब?
सकते, ये तो पुलिस स्टेशन बिंदु, यहाँ तो लाशें आई करती। तुम घर में देखता हूँ। बिंदु, कोई बात नहीं बिंदु, तुम चलो अंदर मेरे साथ। बिंदु ठीक है कि मैं विजय को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसकी उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। नाइट क्लब का मालिक प्राण मेरे हाथ से बचकर निकल नहीं सकता। विजय वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, विजय मेरे बचपन का दोस्त था। उसकी मौत का बदला लेना मेरा फर्ज है। नौजवान इधर आ, इधर आ।
हाँ, तुम भी किस्मत आजमा लो। लगाओ सेठ, लगाओ, झाड़ लो तुम भी कुछ। नहीं लगाया ही दो। हाँ हाँ, जरूर आएगा, बड़ी जरूर आएगा। पंजरवर बेगम, 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 वो लगाओ। हाँ लो भाई, पाँच रुपया बढ़के बढ़के वही लगाओ, बड़ी लगाओ। जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? बीस रुपया, बीस रुपया एकदम सही। सिंगल लगाएगा, डबल मिलेगा। हाँ सही, वही दिल खोल के लगाओ। हाँ का देगा सही, फिर बादशाह सही, फिर बादशाह। तुम बेगम बोलता बड़ी, फिर बादशाह। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जरा आंखें चल दी आ गई इसकी। चलो ना साई, अरे किस तरह क्या तो देख सकता हो। अच्छा सही, तुम बड़ी, तुम नाराज हो गए। मालूम होता है बाल बच्चेदार आदमी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नौ बच्चे। नौ बच्चे? ओहो, तुम भी मेरी तरह दिल के कमजोर हो। मेरे 12 बच्चे हैं। देखो ना, मैं बाल बच्चे वालों का पैसा खाना नहीं चाहता। ये लोग गुम हो गए। सर कोई बात नहीं, ये लो 5, 10, ये 12, 13, 15। असल में मैंने तुमसे ये पैसे जीते नहीं, मैंने पत्ते लगाए थे। मैं पत्ते लगाता, क्या करूं, मेरे भी 12 बच्चे हैं, इसलिए मुझे ये धंधा करना पड़ता है। 5-10 जो मिलते हैं घर ले जाता हूं। मेरे पास दिमाग है मगर पैसा नहीं। तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास दिमाग है। वो देखा मैं नाइट क्लब, वहाँ रोज हजारों लाखों की जुआ होती है। बस अंदर चलेंगे, आज 10 लाएंगे, परसों 20,000 लाएंगे, परसों 30,000 लाएंगे। ये तो भी तो पेड़ी के हैं। अरे सिर्फ वहाँ दिखाने के हैं प्यारे, तुम भी लाखों पसंद हो जाओ। मंजू वापस तो आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, घबराओ नहीं प्यारे। एक बात, तुम अकेले जाओ, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तो वो लोग सब खा जाएंगे, इसलिए तुम अकेले जाओ, मैं बाद में आता हूँ, समझे? सीधे जाना है, फंसा बेचारा। क्या रे, बैठे बैठे, समझ जाओ। समझ गया, बड़े शरीफ मालूम होते, शुक्रिया। फिर क्या? मेरा हिस्सा से। और तुम्हारा हिस्सा? काय का हिस्सा? काय का हिस्सा? नहीं, क्या क्या आदमी हो, तुमने उसे फंसा है? मैंने उसे फंसा है? वो तो खुद खुद फंसा है। और मैं नाइट क्लब का नहीं हूँ। ये गलती में फंस गए तो मुझे न बताना। तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, तुम यही खड़े रहो, मैं अभी गया और तुम्हारे हिस्सा लेके आया। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्यों क्यों तुम मेरे साथ जाओगे? आधा तुम्हारा, आधा मेरा, और मैं तुम्हारे साथ। आधा तुम्हारा, आधा मेरा, वाह वाह वाह। जेब भी काटता है, दूध भी जमाता और हिस्सा भी मांगता। आधा तुम्हारा, चलो। अजी मैं तो उस रोज भी रुपया लेकर घर पर आपका इंतजार करता रहा। उस रोज माल नहीं मिला जौहरी साहब, लेकिन आप फिक्र न करें, सोना बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन मैं भेज हूँ। आप क्यों इतनी लालच करते हैं जौहरी साहब? अगर इतने रुपए क्या कीजिएगा? अरे उस रोज पुलिस ने जो मेरा सोना जब्त कर लिया, उसका नुकसान आज तक पूरा नहीं कर सका है। अब उससे ही रुपया आपकी भेज पर पड़ा। फिक्र मत कीजिए, सोना आपको मिल ही जाएगा। तो मैं चलता। माल आते ही मैं आपको टेलीफोन से इत्तला कर दूंगा। लाओ। चोरी करने नहीं आती तो क्यों चोरी करता है? तीन दिन से भूखा था। मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। ये लड़कियों का काम है भूखे करने से चलकर, ये ना करती तो और क्या करती? काम करोगी? काम? आप मुझे काम देंगे? मैं काम करूंगी, जरूर करूंगी हजूर। काम में खतरा हो तो? जो काम कर रही हूँ हजूर, उसमें भी कोई कम खतरा तो नहीं। बाबा आप कहाँ हैं? मर चुके हैं। कोई भाई भाई? भाई जिंदा होता तो शायद यहाँ आने की नौबत ही ना आती। दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? कोई नहीं हजूर, बिल्कुल कोई नहीं, एकदम अकेली हूँ। ईमानदारी से काम करोगी? आजमा लीजिए। आजमाऊंगा, आजमाऊंगा।
चलो। यस बॉस। अरे वाह कंचुक के भगवान, तू जिस पे दयालु हो जाए वो गधे से आदमी बन जाए, अगर ये इंजेक्शन मुर्दे को लग जाए तो वो भी जी जाए। ए से डेट तक सभी विटामिन तुम में है। तुम जी तुम इसको जानते हो? यस बस जानता हूँ क्या, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कम बस मुझे से टैक्स मांगता था। मांगता नहीं, मांगती लड़की है। लड़की नहीं बस, ये लड़का है। लड़का सर से पांव तक शैतान है। मेरी जेब काट दी। मेरी भी जेब पर हाथ डाला। अरे क्या कर रहे हैं आप, आपकी जेब पे भी हाथ डाला था और फिर भी आप कहते हैं कि ये लड़की। मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती है। यस बस आई एम सॉरी बस, आप कहते हैं तो जरूर लड़की होगी, लेकिन बस लड़की है। जी 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 हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लड़की है, लड़की है, मगर फिर भी बॉस। लेकिन अच्छा नहीं नहीं, लड़की है लड़की है, मैं खुद कहता हूँ लड़की है। यस बस बिल्कुल लड़की है। आज से हमारे साथ काम करेगी, इसको अपने पेशे की हर तरकीब सिखा दो। इसे बस ये तो मेरे जैसे दस आदमियों की पुड़िया बनाकर जेब में डालकर चल दे, इसे क्या सिखाऊंगा। बस आप बताओ। चुड़े क्या है, निकल लगाएगा। अबे लड़कियों का नाम क्यों बदनाम कर रहा है। हाँ हेलो हेलो हेलो, आपको बहुत देर हो गई, जल्दी आइए। शिकार आ गया। नेकलेस बने में है। नंबर क्या? 21-22। शिकार पर नजर रखो, मैं भी पहुँचता हूँ। बताओ बताओ बताओ। बात असल में ये है कि मैं हूँ तो लड़का, लेकिन आस्ते आस्ते लड़की बनता जा रहा हूँ। क्या कहिएगा ना? तो तुम्हें आजमाया जाए। यस बॉस, अगर आप कहीं तो आसमान के दामन से सितारे तोड़ लाऊं, समुद्र की तह से मोती चुरा लाऊं। यस बॉस, वेरी गुड बॉस, वेरी गुड बॉस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मिस्टर सो एंड सो, मिस वॉट नॉट, चलिए। ये तो नहीं जाता, मालूम होता इसने मुझे पसंद कर दिया। तुम क्या छुपाते हो जी, खाली दुपट्टे से क्या होगा, बहुत से चूड़ियां भी उतार दो। अजी आप हैं तो हम चोली भी पहनने को तैयार हैं, इसे भी उतार दीजिए। बुलबुल, अगर तुम्हारे कमजोर हाथ इस दीवार को तोड़ न सके तो मेरी तकलीफ की बुनियादें हिला देंगे। तकलीफ से नहीं, कहीं ऐसा न हो देश के बेरहम हाथ तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ले। और तुम तुम्हारा देखते जाओ, निकलेगा कि है अरमान। साहब हर यहाँ नहीं वहाँ चलाया गया है। मैडम आप घबराइए नहीं, मेरे बात को फट छोड़ दीजिए। घबराने की बात हार निकालने के बाद थिएटर में आखिरी आदमी कौन था? मैं था बस। तुमने बिंदु को थिएटर से निकलते हुए देखा? यस बस। अभी तक आई क्यों नहीं? उस साथ तो था,
पुलिस पुलिस जी हाँ, मैंने पुलिस को उसे ले जाते हुए देखा। चैन, तुम फौरन पुलिस स्टेशन चले जाओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है। अटेंशन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अबे चोरी करने नहीं आती तो कट्टा जो है। तो पुलिस के साथ क्या कर रही थी? चोरी खेल रही थी वो। हार कहाँ है? हार कौन सा हार? निकाल, छोड़ो मुझे, देखती हूँ अभी। क्यों बॉस, हो गई आजमाइश? देखिए मेरी काबिलियत का नमूना। थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। बिजली हो बिजली। कौन सी बॉस, एसी या डीसी? जी चाहता है मैं तुम्हें। बॉस एक बार बोल गया ना बस, हाथ पाथ नहीं लगाना। हाँ हम तो लड़का समझते, लड़का कॉमरेड कुलीग। कॉमरेड कुलीग, तो फिर लाओ हाथ बॉस। इंसान को पहचानने में मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। तो मैं देख ही रही हूँ, इंसान को पहचानने में आपकी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। बहुत कम क्या बॉस, आपकी आंखें तो धोखा खाती ही नहीं। जादूगर है जादूगर, जादू कर दिया। कौन सा जादू किया है बॉस? लाल जादू, काला जादू, पीला जादू, सफेद जादू? काम का जादू। काम का जादू, जादू किया है? मैं जादूगर हूँ। ओ अच्छा, बॉस बोलता है मैं जादूगर हूँ, मैंने जादू किया है। किया है, किया है, जादू किया है। न जाना।
चला 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 जादू दिल को बचाना, देखो 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 कहीं फिसल न जाना। आए यहाँ बड़े बड़े लुट जाए खड़े खड़े, तुझे बिना रोना पड़े डर डर। मैं हूँ जादूगर, ओ मैं हूँ जादूगर, सारे तो जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, ओ मैं हूँ जादूगर, पर तुम जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, ओ मैं हूँ जादूगर। उन्नीस नंबर कुकिंग तैयार है? जी हाँ तैयार है। जरा जल्दी भेज दीजिए, बस एक ही मिनट में भिजवाता हूँ। ओके। मिस्टर पाशा, ये बॉस किधर गया? बॉस का अंदर जाने का रास्ता, बाहर से आने का रास्ता, माल ले जाने का रास्ता और माल ले आने का रास्ता, ये मैं नहीं बताता, बादशाह उसी से पूछ। अच्छा, यस बॉस। क्या हुक्म है बॉस? ये पैकेट 19 नंबर को पहुंचा दो। बहुत अच्छा बॉस। अच्छा यस बॉस। हर बात तुम ही जाते हो, बार बार नजरों में आना अच्छा नहीं। मगर बॉस और कौन जाएगा? आप हुक्म दीजिए, मैं किस लिए हूँ, मैं किस मर्ज की दवा हूँ? तुम जाओगे? क्या समझ रखा है आपने बिंदु को? आप कहिए तो शैतान की आंखों में सुरमा लगाया हूँ। कहाँ जा रहा होगा बॉस? चीन, जापान, तेहरान, ईरान? सोच लीजिए बस। नागपाड़ा 35वीं गली में पहुँचाओ। जॉन यस बॉस। बिंदु के साथ जाओ, उसकी जगह दिखाओ। लेकिन बॉस इसमें है क्या? ओके। लेकिन बॉस अगर कहीं मैं मारी गई तो? तुम्हारे तरफ उठने वाली उंगली को काटने का इंतजाम हमारे पास है। यस बॉस। जाएगा बॉस? जाओ। कोकेन और बिंदु का ख्याल रखना। जादूगर कहाँ गया है बॉस? जादूगर? कभी मेरा भी तो जादू देखा करो। तुम्हारे जादू का तो इंतजार है, जिस रोज तुम सोना ले आई उसी रोज हम नाइट क्लब बंद करके चले जाएंगे। हम, आप और जी? जरूर, तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदा नहीं रह सकता डार्लिंग। फिर तो लाऊंगी, चाबी भी लाऊंगी, सोना भी लाऊंगी। आखिर कब तक बचेंगे मिस्टर रमेश? हेलो, बनवारी लाल, 19 नंबर कोकिन मत भेजिए। मेरे मकान पर पुलिस वालों ने छापा मार दिया है। क्या कहा? पुलिस ने तुम्हारे बिल पर छापा मारा? जी हाँ मिस्टर प्राण, कोकिन मत भेजिए। अरे अरे मैं मारा जाऊंगा मिस्टर प्राण, कुछ भी करके कोकिन को रोक लीजिए। आदमी कपड़ा निकल गया है भाई। प्लीज मेहरबानी करो, कुछ भी करो मगर कोकिन को रोक लो। फिर मैं पूछ लेता हूँ।
ठीक है। जरा होशियारी चौकीदार हो चौकीदार हो आप कहाँ जा रहे हैं? अरे इस बिल्डिंग में और कहाँ? इस बिल्डिंग में किसके पास? किसके पास? अबे तू होता कौन है पूछने वाला? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? तो आपको बताना ही पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर? लेकिन हाँ साफ साफ बताओ जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? आ कहाँ से रहा है? मैं घर जा रहा हूँ। घर से आ रहा है और घर जा रहा है, मुझे बेवकूफ बनाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैं चाचा के घर से आ रहा हूँ और ससुराल जा रहा हूँ। मिस्टर, मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। मेरी तलाशी? किस बात की इंस्पेक्टर साहब? कोकीन की। कोकीन? वो क्या चीज होती है इंस्पेक्टर साहब? किस काम आती है? बहुत भोले बनते हो, जेबों की तलाशी दो। हजूर मैं सच कहता हूँ, मेरे पास कोकेन, कुनीन, एनर्जी, निकोटिन तो कुछ भी नहीं है। सीधी पैर से देता है तलाशी या नहीं? कैसे नहीं देता? आप कहेंगे तो देख लीजिए क्या रखा है मेरे पास। ये चाबी है, रुमाल है और ये तो कागज है थोड़े से। हजूर अब तो मैं जा सकता हूँ। जैकेट की जेबें दिखाओ। देख लीजिए क्या दो चार आने हैं बस। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, आइए। कैसे हैं मिजाज? आप तो मिलिए, आप हमें फ्रीटा। आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? कब? हेम्स रोड पर मैंने आपको आवाज दी थी। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना नहीं। आपने आवाज दी? नहीं तो मैंने तो सुनाई नहीं थी। सर भाई क्या बात है, मुझे आपकी और आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी। इंस्पेक्टर साहब बहुत बातें बनाती है। आपको नींद नहीं आती? नींद जी? नींद तो अभी आ जाएगी। कुकिंग का पैकेट कहाँ है जी? आपने मेरी तलाशी तो ले ली है, अब मुझे घर जाने दीजिए ना। घर तो अब मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। घर जल्दी भेज दीजिएगा हजूर, मेरी बीवी बड़े तेज मिजाज की है, कहीं नाराज होगी तो मुझे बता जाएगी। और फिर इंस्पेक्टर साहब मैं घर जमा आई हूँ, अगर बीवी नाराज हुई तो सास ससुर भी नाराज हो जाएंगे। जूतियाँ खाते खाते खामोशी से चल रहा हूँ जी। आपसे तो यूँ ही रोक सकते हैं। शैतान कहा तो तुम कठपुतली बनकर नाच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब तक तुम्हारे भाई की पिता की आग ठंडी नहीं होती। अगर तुम्हें थारी की जरूरत है तो मेरे पास क्यों नहीं आए? क्यों कर रही हूँ? तुम्हें मर जाना चाहिए था। बाबा मेरे पास तो सुनिए, जरा मैं नाइट क्लब में शामिल हो गई।
बच्चे की मौत के बच्चे के सिवा मुझे आज कुछ नहीं सोचता। शाबाश बिंदु, इतनी बहादुर हो तुम। भाई की मौत का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी जरूरत। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। माफी? क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? आप मेरा कितना ख्याल रखती है बिंदु। विजय तुम्हें मेरे सुपुर्द कर गया था, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। तो इसलिए आपने मुझे पूछा? चाह तो यही समझ लो। क्या समझ लो? बताना जरूरी? बिंदु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, समझ ली जाती है। मैं तो कुछ भी नहीं समझी। हाँ, मुझे समझाना भी नहीं आता। तो फिर तुम अपने आप से पूछ लो। बाबा, एक पैसा मालिक के नाम पर, एक पैसा तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। दाता दाता एक पैसा, बाबा बाबा भगवान के नाम पर एक पैसा। दाता भगवान तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे। ये खोलना तो मैं भूल ही गया, खोल दो। आपकी मर्जी है। खोलने को तो जी नहीं चाहता,
कितनी अच्छी लग रही है इसमें। खोलना तो पड़ेगा ही, मुझे नाइट क्लब में जाना है। जरूरी चार मेरे इंतजार में नाइट क्लब सर पर उठा रहा होगा। सच बात याद हो गई, चलना चाहिए। सब बेस्टी से बॉस जो ठहरा और हम बॉस नहीं। फिर क्या है? हथकड़ी। मेरा ख्याल है मैं भी नाइट क्लब में आ ही जाऊं। अब तुम्हारे बगैर मुझे चैन कहां? भगवान के लिए कहीं ऐसा मत करना। तुम जहां कहोगे मैं वहीं तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगी। ये बात नहीं बंधू, विजय की मौत का राज नाइट क्लब में छुपा हुआ है, मुझे तो प्रांत से मिलने आना ही होगा। ये अच्छा है कि तुम भी वही हो। तुम वही रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे सतीश, कुछ तो करना ही पड़ेगा। शोर साहब, इन निशानात के बारे में कुछ पता चला? बस यही एक उम्मीद रह गई। तुम हो गए क्या करता है? पत्नी का मामला किसी तरह का? अबे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अबे किसी तरह से बोलना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो बोलना तू का ले मिला चुरान की धर्मशाला नहीं, यहाँ तू अंदर जाएगा तो चिकन की तरह तू भी रोस्ट हो जाएगा। ये तो गुनाह की तरह मेरे को पीछे लगा लगा मस्का लगा लगा मसा। अगर आज बात होता वो भी देखता, मुझे भी कोई मस्का लगाता है। बोल 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 चारे हाथ में। हाँ क्या क्या ये मोर मसूर की दाल बोलता मुर्गी का हुआ। अदर चटनी क्या मुर्गी थे तो क्या नाराजगी होती है? हाँ 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 अंडा। अच्छा बताओ हाफ का खाओगे या फ्राई खाओगे? जो भी हो चलो चलो चलो। अच्छा तुम जाएगा तो मैं फ्राई होता। अच्छा यस बस। कौन है यार? ये भूखा है बेचारा, गूंगा है। तुमसे क्या कह रहा? मुझसे खाने के लिए कुछ मांग रहा था बस। मैंने इसे कहीं देखा है? आपने इसे कहीं देखा है? अंदर बुलाओ। इसे अंदर। अरे वो आया गूंगे खा, तेरी किस्मत खुल गई। आज तो तू हमारा मेहमान है, बाप ने अंदर बुलाया तुमको। तू पूरा मौका मिलेगा। पीछे में भाषा के पास गूंगा खड़ा है, उसके इधर गया। और एक बस अरे उधर नहीं, ऊपर बैठ। कौन उसको नीचे बैठने दो, टेबल क्लॉथ खराब करेंगे। अच्छा मैडम ऊपर बैठना जल्दी। हाँ ये बहुत दिन का भूखा है, इसको इतना खाना खिला कि सब पेट फट जाए। सॉरी सॉरी, आज इस धोबी के पास क्या है? किधर रहता है? कहीं भी नहीं रहता है।
बम्बम मालूम होता है, खास देसी मुर्गी है, बम्बन नहीं है, भरता ले भरता ले डाल ले तरह से काम कर, ये तो अपना बॉस है ना, तुझे वेटर से रिप्रेजेंटर बना देगा, समझा बेटा? बेटा नहीं, बेटा नहीं, तू तो मेरे बाप से 2 इंच बड़ा और माँ से 1 इंच छोटा। देख देख देख, मैं मिस्टर रुस्तम खान हूँ, हाँ दिल भर जान नहीं, समझा? ले 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 तेरे कपड़े, हाँ ये वेटर नंबर 34 34 काम बराबर करना। मैनेजर साहब, ये आदमी हम इसको संभालेगा। तो ठीक है, लेकिन सब कहा तो निशान के समय कैसे बंद होने के बाद अरे पैरा नंबर 34 इस लप्पू झंडा के चक्कर में मत आना, वरना बच्चों जिंदगी भर चक्कर में रहोगे और बॉस तुम्हारा आइसक्रीम बना देगा बगैर फल देगा। चलो फुटो, खड़ी खड़ी चुपता है जी। थोड़ा अच्छा है और थोड़ा बुरा है, ये बीच में होने का बात ठीक नहीं है। कहीं या तो बोलो अच्छा है जी, कहीं या तो बोलो बुरा है। पर रुस्तम जी, घूमने को चलेगा जी? घूमने को? लेकिन ये बॉस से खाने का वक्त हो जी। ये गूंगा किस लिए है, इसको भेज दो ना। इतना हसीन मौसम है, इतनी सुहानी घड़ी है, और रुस्तम जी तुमको खाने की पड़ी है। माँ कसम ये बात बहुत बड़ी है। बारा, दूर से दूर से दूर से देखो, आज तुम बॉस को खाना ले जाओ और हमारा पूछेगा तो बोलना क्या है? हम खाने को तैयार। दूर से दूर से मुंह से बात आती है, दूर से। कैसा आदमी है, घड़ी घड़ी चुनता है। अच्छा आदमी है जी। हाँ तो क्या मैं बुरा आदमी हूँ? तुम थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है जी। एक काम करो जी, बुरी चीजें तो डालो कचरे की पेटी में और अच्छी चीजें तुम साथ में चलो जी। बुरा बनाने की जरूरत क्या थी? फिर कभी आप सब रखा जल मरवा डाला ना, कहीं ना अपनी नौकरी। उस गूंगे बेचारे को मार पड़ी है और तुझे नौकरी क्यों पड़ी है? अरे मार तो उसको पड़ी है, मगर तू यूं क्यों खड़ी है? अरे जा, अरे चल चल के गूंगे से पूछते हैं कि बॉस की तन कितना है। तेरे कोनी का वजन ज्यादा है। मैं मर जाऊं।
कौन सी तुम्हें मारा? सब कसूर रुस्तम के बच्चे। क्यों बे? खाना खिलाने तो ऊपर भेज दिया, ये नहीं बताया कि आप इस सीढ़ी के ऊपर अलार्म लगा कर सारा मामा मार के क्या कर रहा है? अपना ही आदमी है। भैया 34 मुझे माफ कर देना है, हाथ अच्छा चल चल इसी बात पर थोड़ी सी पी ले, सब मार बार भूल जाएगा। हाँ हाँ, अरे जब तक है जी में जी तो कहते हैं पी, और जब निकल जाएगा जी तो पीछू कौन कहेगा पी। चल हम आज तेरे साथ पियेंगे और तेरे खाते पे पियेंगे। हाय मैं बताऊँ, अकलमंद आदमी हाथ से मौका नहीं जाने देते। आज ऐसी पिलाओ, ऐसी पिलाओ कि सब हाथ फैलाकर और आंखें बंद करके चिप्स के चिप्स हो जाए। फिक्र मत कर, अभी लाता हूँ। अरे 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 34 के खाते में, समझा? झूमते चले हर से, झूमते चले हाँ, झूमते चले ये चले मेरे प्यार के, झूमते चले ये चले ये चले हम तो जगा दी है तेरे प्यार के। ये ढले ये ढले हम तो शराबी है तेरे प्यार के, झूठे चले ये चले ये चले हम तो शराबी है तेरे प्यार के। निशान लेने लगे हाथ का।
हम पी के आए मीन साहब। अरे मैं सर क्या ये देखो ये मीन लाइन है इसे रुस लाइन है क्या हो गया? अरे बात क्या है इधर रात है उधर बरसात है हम थोड़ा पिए तो क्या बड़ी बात है क्यों डर रही हूँ गल्ला हो गया गल्ला हो गया अरे ये पिएगा नहीं पिएगा बच्चा चल मेरा साथ बात क्या के मारेगा मोरी भैया रात तुम हमको घर ले जाओ ना मीन साहब पिए ला है लेकर बात आएगा तुझे अरे छोड़ क्यों पिए ला है हम होश में हमको सब मालूम है ये मैंने गिर है और तुम बेरा है सब जानता है क्यों बे ले जाओ ऊपर जल्दी अभी फिर बोलता है ले जाओ तुम हमारे मोहब्बत को ठुकराता है तो गेट आउट हम जाएगा अलविदा अबे किधर गया ऊपर खड़े हुआ ऊपर रास्ता ऐसे बोलता है ये बात के घूमने का डराता है वो बड़ी कमजोर दिल का आदमी मैं तो तुम्हें सब मानूंगा रिता के रमेश का सारा सोना हमारे हाथ में आ जाए जिसने दिल दे दिए है बस तो सोना लेकर कहाँ जाएगा बाय बाय जाग रहा होगा देखो तुम चले जाओ यहाँ से क्यों जानबूझ का खतरा मोल लेते हो तुम जानते हो खतरनाक आदमी ना खुद बुजुर्ग बनो ना मुझे बनाओ मैं पुलिस का आदमी हूँ मैं अपना ये फर्ज अदा करके ही जाऊँगा इसके अलावा भी तो तुम्हारा दूसरों के फर्ज है अगर ये फर्ज अदा करते करते तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा तुम फिक्र न करो मुझे कुछ नहीं होगा किसका क्या यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी अपने रोलों पर बिता दूँ आज ये आदमी मेरे भाई को खा गया बर्दाश्त नहीं होता तुम चले जाओ तुम मुझे बाकर कमजोर हो गई तुम अपना सबसे बड़ा फर्ज भूल रही तुम यहाँ विजय की मौत का बदला लेने आई और मैं एक मुजरिम को मुजरिम साबित करने के लिए आया हम दोनों एक ही मंजिल पर आए अगर हम दोनों इस मंजिल को तय कर जाएं तो हमसे खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा हौसला शायद अब कुछ हो गया होगा तुम ही हमें आता
मीटर 34। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आज बच गए। अगर कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सच कहती हूँ, अगर अब तुमने कहीं आए कि अपने कदम रखा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ बिंदु, पुलिस इंस्पेक्टर की जिंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आते हैं। तुम उसका ख्याल छोड़ दो किशोर। ख्याल छोड़ दो? हाँ। ये नामुमकिन है बिंदु, तुम भूल रहे हो तो मैं किशोरी नहीं एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ, जिसका काम है लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। हिफाजत करने के लिए जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? तुम प्राण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? बिंदु, मैं जानता हूँ प्राण को गिरफ्तार करने से सारा गिरोह गिरफ्तार हो सकता है। ये नाइट क्लब, कुकिंग का धंधा, सोने का स्मगलिंग, ये सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन ये सब खत्म करने के लिए मुझे सबूत चाहिए। सबूत? और उस सबूत की तलाश में मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। बिंदु, तुम तो खामोखा घबरा रही हो, भला तुम्हारे रहते मुझे वहाँ किस बात का खतरा है? बिंदु, मैं एक बार नाइट क्लब में फिर से जाना चाहता हूँ ताकि सारे राज तुम मुझे अच्छी तरह समझा सको। हाँ, और इस बार मैं पूरे सबूत समेटने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं हूंगा और मिस्टर प्राण। आखिर मेरी नजर तो कहा खा ही गई। मैंने पाशा से उसी वक्त कहा था जब मैंने इस आदमी को देखा। कौन है, कौन है वो जो हमारी गिरफ्तारी चाहता है? कौन है? बस मुझे तुम्हारी बिंदु पर शक है। ये तुम नहीं, औरत की जलन बोल रही है। जलन नहीं डाली, आई डाउट हर। कहाँ गई है वो इस वक्त? कहाँ? बस वो एक बहुत बड़ी आसामी को फांसने गई है। आसामी को फांसने गई है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कहाँ रहती तू? कैसी लग रही हूँ बॉस? मैं पूछा तू कहाँ रहती? बॉस, आज तो मजा ही आ गया। मैं उसके करीब जाकर बैठी, टोपी उतारी, घूम कर देखा, वो दूसरे का देखता ही रह गया। मेरी कलाई पकड़ी, मैं पल खा गई, मेरा हाथ पकड़ा, मैं घूम गई। ऐसी घूमी बॉस, वो घूम गया, मैं घूम गई, हम दोनों घूम गए। क्या ख्याल है बॉस? फिर क्या हुआ? बस मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, तुम कितनी बहादुर हो बिंदु, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। चांदनी गहरी हो गई, बहुत बड़ी आसानी है बॉस। कल शाम को आने का वादा किया है, भरी हुई जेब लेकर आएगा, खाली जेब लेकर जाएगा। पैसा बहुत है, अखिल कम है बॉस। शादी का झांसा दिया है। कितने बजे आएगा वो कल? शाम को 8 बजे। बस बॉस ऐसा काटना कि मजा आता है। काटूंगा, ऐसा काटूंगा कि वो भी याद रखेगा। पक्का बॉस? ये है मेरे अंकल, और अंकल ये है मेरे सुनने वाले। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आपकी भतीजी जरा शर्मिली है। बहुत दिन से इंतजार था जी, काफी बिजनेस फैला हुआ आपकी दुआ से, इसलिए वक्त नहीं मिलता। जरूर जरूर। क्या खूबसूरत होटल है। दरअसल प्राण साहब, यहाँ की हर चीज मुझे खूबसूरत लगी। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आपके घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं अंकल, आपने इनका घर नहीं देखा? बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर शिव मोटी मोटी सलाखें, और बड़े दरवाजे के ऊपर लंगी बंदूक का पहरा। जी बजरी, शायद कोई आपको नीचे बुला रहा है। जी नहीं, ये तो मेरे कमरे में बज रही है। अच्छा, मेहमान सीढ़ियों पर और घंटी आपके कमरे में? जी हाँ, ताकि नौकर को बजा दो। खूब खूब सेक्रेटरी नोट पर अपने मकान के लिए भी बहुत काम की चीज है। वेरी गुड। ये है मेरा डाइनिंग रूम, और आप हैं मेरे दोस्त श्री राम प्रसाद जी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बहुत बड़े व्यापारी। आपसे मिलिए श्री मदन लाल भूटानी, बेशुमार मिलों के मालिक। बस बस अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी।
मैंने आपको कहीं देखा है जी? बर्मा में? मेरा बर्मा में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट था, आप फौज में तो नहीं? जी नहीं, मैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी, माफ कीजिए गलती हो गई। मेरा सेक्रेटरी कहाँ गया? सतीश। यस सर। मनसुख लाल का अपॉइंटमेंट कितने बजे है? 10:25। 10:25 तो मुझे टेलीफोन करना पड़ेगा, माफ कीजिए। जी चलिए चलिए चलिए। जिस से प्लीज सतीश जी से जरा बुझा देना। यस। क्या हुआ बिंदु, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया। अरे ये क्या? ओ टेलीफोन। मैं तो सुनता टेलीफोन करने के लिए आप मुझे नीचे ले जा रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको यहीं ले आ रहा था। ओह शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अजीब जगह टेलीफोन है। हेलो मनसुख लाल जी, मैं भोटानी बोल रहा हूँ। आपके साथ अपॉइंटमेंट था ना आज, वो आज कैंसिल कीजिए। अजी हाँ, मैं आपसे कल मिलूंगा। गुड नाइट। वाह भाई खूब अजीब जगह टेलीफोन लगवाया आपने। ऐसे वैसे मौके पर ढूंढे तो उसे मिल ही नहीं सकता। अंकल अंकल इस मामले में थोड़े क्रेजी है। सॉरी अंकल, इनके शो का कोई जवाब नहीं। बटन दबाओ, अच्छी बार गायब। कितना करो। आई आई अंदर आई आई। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप हैं मेरे दोस्त मिस्टर जोसेफ। मिस्टर जोसेफ। अरे तो कहिए, ताश का शौक है आपको? ताश? ताश अंकल, ताश की तो ये हालत है, जुआ खेलने वाले इनसे इतना डरते हैं कि जैसे ये कमरे में दाखिल हुए, ताश और नोट मेज पर और जुआ खेलने वाले कमरे से बाहर। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत से ज्यादा मेरी तारीफ कर रही है। खाने से पहले दो हाथ हो जाए। दरअसल मैं यहाँ ताश खेलने नहीं आया, बिंदु ने अपने अंकल की इतनी तारीफ कर दी कि मैं इनसे मिलने के लिए मजबूर हो गया। पंचे क्यों है, तो चाहे दिल बहलाने के लिए खेल देना, अगर रुपए नहीं है तो अंकल से ले लो। क्यों अंकल, सब कुछ इन्हीं का तो है। यकीनन यकीनन, आप मेरे होने वाले दामाद हैं। जी हाँ अंकल, एक रोज हमारे पास तो सब कुछ आने वाला है। तो हो जाए। जी हाँ जी हाँ, आपका बिजनेस? जी हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। हो जाए। आप मिस्टर जोसेफ? मिस्टर जोसेफ कहिए, क्या खेलेंगे? रमी, फ्लैश, पोकर, पॉन्टून या ब्रिज? लेकिन ब्रिज तो आप लोग खास खास मौके पर खेलते होंगे। चलिए आज फ्लैश ही हो जाए। चलिए मिस्टर जोसेफ शुरू कीजिए। जी हाँ अंकल, जेब भरी हुई रहती है इसलिए भरा हुआ पिस्तौल रखना ही पड़ता है। आइए। मगर ऐसी पिस्तौल तो सिर्फ पुलिस या फौजियों के पास होती है। लेकिन मैंने तो ये शायद बर्मा में खरीदा था। मेरा मतलब है कि रईसों के पास बहुत कम होती है। मुमकिन है, जरा देखो तो। देखिए हेलो हेलो। चाबी मैंने देखी है। तुम्हें यकीन है कि चाबी उसकी जेब में है? आप सब इंतजाम करके रखिए, मैं भी पहुंची। बहुत अच्छा, उसे जल्दी ले आओ। कहाँ
वेलकम डार्लिंग। मिस्टर फ्रांक, मिस्टर रमेश, आइए आइए, आपका आने की बड़ी खुशी हुई, आपका कब से इंतजार हो रहा था, आइए। कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें, पुकारे दिल दीवाने में, के बादल है मनाए बरसातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। उल्फत के तारानों में सब खोए हुए हैं, कहने को है जागे थे पर खोए हुए हैं, उल्फत के तारानों में सब खोए हुए हैं, कहने को है जागे थे पर खोए हुए हैं, पुकारे दिल दीवाने में, न घबराना न शर्माना, बुरी है ये बातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। अफसाने निगाहों से सुनता जा दीवाने, फिर आए कि ना आए मिलने के जमाने, अफसाने निगाहों से सुनता जा दीवाने, फिर आए कि ना आए मिलने के जमाने, पुकारे दिल दीवाने में, बड़ी मुश्किल से आई है मिलन की ये रातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें, पुकारे दिल दीवाने में, बादल है मनाए बरसातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। वक्त क्या नहीं मिला, कल सुबह शायद नहा सकती, बहुत जरूरी काम था। क्या बात? उन लोगों ने सोने के स्मगलर की चाबी का नक्श ले लिया है, कल सुबह चाबी बनेगी और शाम को डाका होगा। डाका कहाँ डाका होगा? ये तो मुझे मालूम नहीं, कल एक आदमी चाबी का सांचा लेकर नई चाबी बनवाने जाएगा, तुम उसका पीछा करना, उसका पीछा करने से शायद सारे गुरु का मालूम पड़ जाए, सोने का स्मगलर है और चोरी का भी पता चल सकता है। चाबी का सांचा लेकर कौन जा रहा है? अभी कुछ पक्का नहीं है,
शायद जैसे ही पक्का हुआ मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगी। मेरे तो ख्याल में वो मोटा पाशा है ना, वो नहीं तो अपना बहरा रुस्तम। रुस्तम हाँ, रुस्तम लेकर जाएगा। अच्छा तो मैं जाऊँ। इतनी जल्दी ये खबर देने की तो आई। खबर देने तो खबर लेने भी आती। आप खुद ही आ जाया कीजिए ना। ये है चाबी का साचा, जरा होशियारी से जाना। बहुत अच्छा बॉस, जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं इधर ही हूँ। ओके बॉस, चाबी बनते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। बिंदु। यस बॉस। तुम फोन पे रहो, जो ही पाशा का फोन है मुझे खबर करना। खबर देना तो मेरा काम ही है बॉस, खबर तो मैं कर ही दूंगी। हमारा नहीं तो क्या किसी शरीफ आदमी का करेगी, पर आप ये बता करना क्या चाहिए। ये चाबी का साधन क्या कर देना चाहिए। तलाशी लेने पर यह साचा हमारे से निकला तो रुस्तम बहुत बुरी हालत होगी हमारी। रास्ते में गाड़ी रोकते हैं, हम पहले चलेंगे तो रास्ते में किसी की जेब में डाल देंगे। पाशा, ये चाबी का साचा हम जिसकी जेब में डाले तुम उस आदमी का पीछा करना। पाशा, पुलिस के लिए हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब क्या करना चाहिए। मेरा इरादा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा इरादा साचा उसकी जेब में डाल देना, फिर पीछा करना, वो पुलिस को संभाल लेगा। तो यही कहीं न जाने कहाँ गायब हो गया। अयो यो जरा धीरे जी, हमारी चमड़ी बहुत नरम है। मखमल है मखमल, पैर रखो तो फिसल जाए। आप हमारी बात में क्यों बोलते जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। ये नमस्ते कैसा जी। आपने मुझे पहचाना नहीं स्वामी जी, मैं और पाई भगवान दास आपकी शादी में आए थे। शादी? कैसी शादी? हमारी शादी हुई थी। नहीं शादी हुई नहीं। नहीं स्वामी जी आप भूल रहे हैं, आपकी शादी हुई थी और हुई थी, जरूर हुई थी। तुम हमारी शादी में कैसे आ सकता जी। हमारी शादी क्या, हमारे खानदान में किसी की शादी हुई जी नहीं। क्या कहा, आपके खानदान में किसी की भी शादी नहीं हुई। तो माफ करना आप, तुम
तुम हम कैसा पैदा हुआ ये पूछता ना तुम? हमारे परदादा ने हमारे दादा को गोद में लिया, हमारे दादा ने हमारे बाप को गोद में लिया, और हम बाप को गोद, नहीं बाप ने हमको गोद में लिया। अच्छा तो यही हो, तुम भी तो किसी को गोद लेंगे? लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन तुमको नहीं लेंगे। ओ, गोद को गोद में लेंगे, मुझे गोद में नहीं लेंगे। चलिए साहब, गोद को गोद में लेंगे, मुझे नहीं लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे। क्या बनाओ साहब? सेब बनाओ। मगर सुनो, उससे पहले यार जल्दी करिए जी, हमको ये आदमी पॉकेट मार मालूम होता है, जल्दी करिए। चलो जल्दी 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 ही जरा जल्दी भाई, जल्दी भाई जल्दी, जरा जल्दी जल्दी जरा जल्दी करो जी, जरा जल्दी करो। ए भाई जरा जल्दी जल्दी। अयो हम इतना जल्दी नहीं मांगते जी। अरे भाई जल्दी कहा था, चबड़ी उधेड़ने के लिए थोड़ी कहा था, जरा नरमी से काम ले। आते चला राम राम जी। साहब, अरे साहब क्या जहन्नम में हम मुझे छेड़ने कराने। अयो हमको माफ करना, हमारी गलती हो गई। स्वामी तेरा बेरा घर को मुफ्त में मारा मुझे। भाई माफ करना भाई। काई नहीं काई नहीं। अरे काई नहीं काई नहीं का, यहाँ तो बहुत कुछ हो गया। वैसे उठे तो स्वामी रंगा स्वामी तेरा बेरा घर को। अयो ये पॉकेट मार कहाँ से मेरे पीछे पड़ा है? वेंकटरमणा बस जल्दी आने दो। अयो यो आ गई। अबे मैं मर गया। क्या करता है तुम? आप चाहिए का नाम मेरी माँ मैंने देखा, मुझे पास में जाने का। वेंकटरमण आप क्यों? मैं क्यों उतरू? मैं इससे पहले लाइन में था, माने का तो उतरू। अरे भाई पहले था। अरे वाह वाह, मैं पीछे गुजारा था तो तुम चले आया। पोता झगड़ा मत करो, हम चला जाता। जाओ ना, क्या बात करता हूँ। माता वाले वो चला गया तो फिर मैं क्या करूँगा? बुलाया मैं किनको को, यूं पकड़ा, यूं मारा, यूं उठाया, क्यों मारा हूँ? माफ कर रहा, क्यों माफ कर रहा? क्यों गाड़ी में आया? अभी नहीं आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, अभी छोड़ दूंगा मैं तो, अभी छोड़ दूंगा आया। अरे बाप रे, माफ करना, माफ करना, बहुत मारा।
खुद ही पीछे लगा था, खुद ही भाग गया। मेरी नोट तलाशी लीजिए। जी हाँ। वो तो पहला सीएम है, कुछ नहीं मिला। तो चाबी का सांचा कहाँ गायब हो गया? चाची के सांचा का तो पता नहीं। मैं पूछ रहा हूँ चाबी का सांचा कहाँ गायब हो गया? चाबी का सांचा अपने को क्या मालूम कैसा चाबी कैसा सांचा? तुम झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोलता साहब, हम बहुत शरीफ आदमी है, अपने को भी नहीं मालूम। साहब शायद हमारा टेलीफोन है, तो बंद कर दो। साहब हम शरीफ आदमी नवाज को फट जाए। इंस्पेक्टर किशोर, ओ बिंदु, मैंने उस आदमी का पीछा किया, उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसके पास कुछ मिला नहीं। मुझे पाशा का फोन आया था, उसने यहाँ से दूसरे आदमी को बुलवाया है। चाबी का सांचा चाबी बनाने वाले के पास पहुँच गया है। इस नए आदमी का कद्दर न्याना, रंग गंदगी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी मूछें, नीली टोपी, नीली पैंट, गाड़ी का नंबर 350। कौन सा बिल्डिंग? बिल्डिंग वी नरीमान बिल्डिंग, गाड़ी नंबर 350। अच्छी बात। पुलिस आ गई। हाँ, डरने की कोई बात नहीं।
इंस्पेक्टर किशोर को बुलाइए। हेलो इंस्पेक्टर किशोर। बिंदु नाका खत्म हो चुका है, मुझे सायन चेक नाका पर मिलो। जिस गाड़ी में मैं हूँ उसे पकड़ लो। गाड़ी अच्छी तरह देखी जा रही है और इंस्पेक्टर किशोर ही ड्यूटी पर। इंस्पेक्टर किशोर सारी तरह ना को टेलीफोन करो, उसके गांव का सोना आ गया है, रुपया लेकर जल्दी आ जाए। हेलो पुलिस स्टेशन, माल तैयार है। माल नमतावली पुलिस स्टेशन है। क्या कहा? वो दुकान पे नहीं है। नमतावली पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। क्या कोई बात नहीं, मैं फिर फोन करूंगी। चोरी का क्या हुआ जी? वो दुकान पर नहीं है। उसे घर पर जाकर इत्तला करो कि रुपए लेकर फौरन ही आ जाए। जैसे ही तुम पहुंचोगे सोना और चोरी दोनों वहीं मिलेंगे। ठीक है सतीश, तुम जौहरी के घर पहुंच जाओ, जैसे होने के लिए उसका पीछा करो। ओके। अच्छा पिछू मैं जाती हूँ। अच्छी बात है। बिंदु कहाँ गई है बस?
जौहरी के पास, लेकिन मैंने उसे पुलिस स्टेशन से देखा है। पुलिस स्टेशन? पागल हो गए हो, मैंने खुद उसे जौहरी के यहाँ भेजा। तो फिर वहाँ जौहरी के यहाँ नहीं गई बॉस? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से पुलिस स्टेशन से देखा है। इम्पॉसिबल, बिंदु को पहचानने में मेरी आंखें तभी धोखा नहीं खा सकती। लेकिन बॉस आज आपकी आंखें धोखा खा रही है। मैं सच कहता हूँ बॉस, मैं बिंदु को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन? हाँ बॉस। तुम जा सकते हो। कहाँ गई थी? जॉर्जी के पास। कहाँ गई थी? जॉर्जी के पास। कहाँ गई थी? जॉर्जी के पास। कहाँ गई थी? जवाब दे, कहाँ गई थी? तो सुन लो, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन क्या कर रहे? एक खूनी से बदला लेने। कौन सा बदला? कौन सा भाई? विजय। तुम विजय की बहन हो? हाँ, मैं विजय की बहन हूँ। तुम्हें समझती हो मैं इसका कुत्ती हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए आई हूँ? समझते हो कि मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हारे लिए बुकिंग के पैकेट पहुँचा दूँ, तुम्हारे लिए हाथ छुड़ाऊँ, तुम्हारे लिए लोगों को फर्क कराऊँ? मैं बच्चे की आग में चलती हुई यहाँ आई थी। थोड़ी देर में तुम भी साथ की लपेट में आ जाओगी। तुम चलोगी और मैं तमाशा देखूंगी कानून के लंबे हाथ। कानून से जन के हाथ में तो बहुत ही मंदिर की जगह छुट्टी हो तुम्हारी जिंदगी बहुत बदलेगी। मैं कैसे लगा लगा कर हंसूंगी, खूब हंसूंगी। चपराल, आज मैंने अपने भाई की बात का पता ले लिया है। जॉनी आ रहा है, मैं पास नहीं बदलूंगा। कहा मिल जाए मेरी कोशिश। जिन्हें कोई जरूरत नहीं मुझे आपको पड़ता नहीं। मैं जाता हूँ। हैंड्स अप। नाइट क्लब की जिंदगी आज खत्म हो गई।
मुझे अफसोस है सतीश, मैं प्राण को अदालत में जिंदा हाजिर नहीं कर सका, लेकिन आज से नाइट क्लब की जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो रही लाश। कंग्रेचुलेशन, कम आओ। अब क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि जब घर पहुँचूंगा तो माँ कहेगी बेटे गया तो अकेला था लेकिन साथ किसे ले आया, तो क्या जवाब दूंगा? बस इतनी सी बात? ये छोटी सी बात है।